क्योंकि अंधेरे की तरफ देखकर बोलने से लगता है उधर कोई है नहीं और हौसला यूं ही कमजोर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो इस शाम को यहाँ आप लोग अपनी जिंदगी से वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए हैं, बेंगलुरु से भी कोई आया है ट्रेन पकड़कर, आपका भी स्वागत करता हूँ। अपने दोस्तों परिचितों और मित्रों के माता पिता भी यहाँ हैं तो उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ आने से पहले संवाद प्रतिदिन की दो पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों आए हैं। मैं इसलिए आया हूं कि ऋतुपर्णो घोष उस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उस डाइवर्सिटी को एनरिच करने वाले हैं। एक और माइक दे दीजिए, एक फेल करेगा तो दूसरा चलता रहेगा। जैसे इकॉनमी फेल हो जाती है लेकिन पॉलिटिक्स चलते रहती है, वैसे ही चलेगा। तो हम सब जो यहां बैठे हैं और मैं जो हूं, सब उस डाइवर्सिटी को एनरिच करने वाले लोग हैं, अलग लोग हैं। डाइवर्सिटी का होना बताता है और समाज में, राजनीति में, विचारों में, कलाओं में, फिल्मों में, कहानियों में और कविताओं में जितनी ज्यादा विविधता होगी वो बताता है कि उसमें क्रिएटिविटी है और एक दूसरे के प्रति लोगों का ट्रस्ट है। जिस होमोजिनिटी को वो जो लाना चाहते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, उस एकरूपता, होमोजिनिटी का मतलब यही है, वो सिर्फ इस बुनियाद पर खड़ा होता है कि हम एक दूसरे पर भरोसा ना करें, हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर दी जाए, हमारे भीतर की रचनात्मकता मार दी जाए और वो जैसा चाहते हैं हम वैसा सोचें, वैसा कहें, वैसा लिखें। आज की तारीख में आप जिस ऋतुपर्णो घोष को जानते हैं, जिस फिल्मी पृष्ठभूमि से, उस दुनिया के लोग जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो फिल्मों के अलावा टायर, शैंपू, नेल कटर, तेल पाउडर का विज्ञापन भी करते हैं, हमारे घरों में आते हैं, उनमें से अब कोई नहीं बोल रहा है। वो सब उस होमोजिनिटी के प्रोपेगेंडा के पार्ट हो गए। उनमें डाइवर्सिटी की आवाज, हौसला खत्म हो गया है। तो जो था हमारे पास, जो अब भी किसी रूप में है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं यहां आया हूं और आप लोग यहां आए हैं। तो प्रत्यय जेंडर ट्रस्ट के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनिंदी आपका भी बुलाने के लिए बहुत से आपको गुजरना पड़ा, मैं माफी चाहता हूं आपको जो भी तकलीफ हुई। मुझे तो लगा था कि मेरे यहां आने से पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी पर बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी होगी, पर हुई नहीं, तो ये पॉजिटिव बात है। प्रेसिडेंसी कॉलेज की इमारत भी सुरक्षित है, ये पॉजिटिव बात है। वहां अब इस तरह की स्ट्राइक नहीं हुई है और उसको ढहाकर वहां पर गौमूत्र संशोधन रिसर्च संस्थान नहीं खोला गया, तो है प्रेसिडेंसी कॉलेज भी है, तो ये अच्छी बात है, काफी कुछ बचा हुआ है। 1943 में जब इस बंगाल में अकाल आया तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए और उस अकाल की त्रासदी ने बंगाल को लंबे समय के लिए बदल दिया। उसकी स्मृतियां भी हमारे आपके खाने पीने की आदतों में है, कलाओं में है, संस्कृतियों में है। अब एक दूसरा अकाल आने जा रहा है। बंगाल में
विवेक का अकाल आ रहा है। उसके संकेत अभी से दिख रहे हैं। लोग इस अकाल की चपेट में जाने के लिए तरह तरह दे रहे हैं, उन छोटे छोटे अफवाहों को उठाकर सही ठहरा रहे हैं और जाने का बहाना बता रहे हैं कि ये कारण है इसलिए हम विवेक के अकाल की तरफ जाना चाहते हैं। वो बेचैन है कि कैसे उस जलती आग में कूद जाएं जैसे बाकी जगहों के लोग कूद गए। और ये विवेक का अकाल जो है एक रजिस्टर के जरिए आ रहा है, उस रजिस्टर का नाम है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसको एनआरसी कहते हैं। ये जब रजिस्टर आएगा तो आप उन लोगों को जिन्हें आप सदियों से दशकों से और यूं ही चलते फिरते खाते पीते जानते हैं उन्हें आप शक की नजर से देखेंगे। जब तक आप उसका नाम उस रजिस्टर में नहीं देखेंगे आप उसको हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे। और जिस दिन आप ये करने लगेंगे आएगी चली जाती है, कोई बात नहीं है। और एक दूसरा बंगाल जन्म लेगा, प्रीति और संस्कृति विहीन बंगाल, जो वही बोलेगा जो रजिस्टर से बात निकलेगी। आप खुद देखिए आपकी बातचीत का रेफरेंस पॉइंट बदल गया है। आपकी बातचीत वहां से शुरू होती है और वहां खत्म होती है। रहते भले आप कोलकाता में हैं लेकिन उस बातचीत का रेफरेंस पॉइंट किसी और फैक्ट्री से तैयार किया जाता है। वो रोज बनकर आपके फोन के जरिए, आपके टीवी के जरिए और नेताओं के भाषण के जरिए आपको धीरे धीरे पहुंच रहा है। और आप इस तरह से बंगाल के लोग, मैं देख रहा था, सुनता आ रहा हूं खबरों के जरिए कि जैसे वो अभी से डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिए गए हों और उसकी दीवारों पर जो लिखा है उसकी भाषा आप बोलने लगे हैं। जब हमारे देश के आदरणीय गृहमंत्री जी ने कहा कि एनआरसी से उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं और ईसाई हैं, उन्होंने एक नाम छोड़ दिया। वो कह सकते थे कि जो भारत के मुसलमान हैं, जो यहां की मिट्टी में खेले कूदे जन्म लिए और जिन्होंने इस मिट्टी की हिफाजत के लिए शहादत दी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बांग्लादेश के हैं वो चिंता कर सकते हैं। पर उन्होंने एक मजहब का नाम जानबूझकर नहीं लिया और आप चुप रह गए क्योंकि आप अभी से, आपका मतलब जो मेजॉरिटी है बंगाल का, वो डिटेंशन सेंटर में कैद किया जा चुका है और वो वही भाषा बोल रहा है जो डिटेंशन सेंटर की दीवारों पर लिखी गई। वरना आप उनसे पूछते कि जब शेख हसीना जी आई थी तो आप उनसे थे, मैक्सिको आप ज्यादा समझदार निकला जो उन 311 भारतीयों को चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली भेज दिया, उनको वहां रखता और जिंदगी भर उस पर पैसे खर्च करता, उन्हें यातनाएं देता और यहां रहने वाले उनके परिवार यातनाओं से गुजरते, उससे अच्छा था कि 311 लोगों को दिल्ली भेज दिया, उसमें कम से कम ह्यूमैनिटी थी। लेकिन ये तो दीवार चिनवा रहे हैं मुगले आजम की तरह कि जिसमें अपने ही लोग उस रजिस्टर के आधार पर जिस पर वो खुद यकीन नहीं करते हैं वहां पर बंद कर दिए जाएं। और आप सब और पूरा बंगाल समझ नहीं पा रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया कैसे दें क्योंकि बंगाल में विवेक का अकाल आ रहा है। आप इस खतरे की आहट को समझिए, आपके हाथ से बंगाल जा रहा है और वो अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब साफ है, आप देखना नहीं चाहते। क्या गांधी होते तो चुप रहते इस बात पर? क्या टैगोर के बंगाल में यह कहना संभव था कि 5 धर्मों के अलावा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है और 15 करोड़ के मजहब की नाम ही ना ले जाए? क्या उस टैगोर के बंगाल में यह संभव था? नहीं था।
लेकिन बंगाल चुप है क्योंकि उसे एक रजिस्टर की राजनीति दी गई है। आम लोग, गरीब लोग इस मुल्क की मिट्टी में रचते बसते आए हैं, अब सब आधार आधार कर रहे हैं। पहचान के कितने कार्ड बनाएंगे? पैन कार्ड बनाया आपने, आधार कार्ड बनवाया, आप कह रहे रजिस्टर बनवाएंगे। आप तो हर हिंदुस्तानी को उस इम्तहान से गुजर, उसका इम्तहान लेना चाहते हैं कि वो है भी यहां का नहीं। यही जब डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है तो हम ये सब सवाल करने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा बन जाता है। होमोजिनिटी जब एक रंग का होता है तो अंधेरे का रंग होता है। उजाले में बहुत सारे रंग होते हैं, वो सिर्फ सफेद नहीं होता है, लेकिन अंधेरे में सिर्फ एक रंग दिखाई देता है। दक्षिण अफ्रीका की घटना आपको बताना चाहता हूं। 20 अगस्त 1906 एक अध्यादेश आया, आप सबको मालूम है, लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं। ट्रांसवाल प्रांत का नाम हम सब जानते ही हैं। तो 20 अगस्त 1906 को एक अध्यादेश आया कि जो एशियाई मूल के लोग हैं उनकी पुरानी परमिट रद्द कर दी जाती है। एशियाई मूल, उसमें भारतीय भी थे, उसमें चीनी लोग भी थे, और उनसे कहा गया कि वो रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाएंगे और अपने अंगूठे का निशान देंगे और नई परमिट लेंगे, और उस परमिट को लेकर उन्हें साथ साथ चलना पड़ा, नहीं दिखाएंगे तो जेल की सजा होगी। गांधी जी ने उसका विरोध किया था, और उस गांधी के बंगाल में एनआरसी को लेकर काट मार जाता। जैसे लगता है आप लोगों ने कभी ना इतिहास पढ़ा हो ना किताबें पढ़ी हो। मैं इस हॉल के बाहर के लोगों से भी बात कर रहा हूं। 11 सितंबर 1906 जोहानसबर्ग के पुराने एम्पायर थिएटर में एक सभा होती है, उसमें 3000 भारतीय जमा होते हैं, जबकि उस वक्त वहां पर 13000 भारतीय थे, जैसे यहां पर 1000 से ज्यादा लोग आए हैं। बहुत शुक्रिया। ये भी बसुश्री हॉल, ऐतिहासिक हॉल है, बंगाल की पहचान है, और वहां पर जमा होते हैं और उस परमिट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उस सभा में गांधी जी के साथ उस शख्स का नाम था सेठ हाजी हबीब, और सेठ हाजी हबीब ने कहा, वो भी गुजरात के व्यापारी थे, जो इस हॉल में बैठे हैं, हम सब जो इस हॉल में बैठे हैं ईश्वर की शपथ लेते हैं कि इस नई परमिट व्यवस्था को नहीं माने। तो साथ बैठे गांधी जी बेचैन हो गए, उन्होंने कहा ये क्या कह दिया, ईश्वर की शपथ ऐसे नहीं ली जाती है। वो समझाने लगे कि ये ईश्वर से किया गया बहुत बड़ा वादा होता है, एक बार आप शपथ ले लें तो आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं। सेठ हाजी साहब, हाजी हबीब साहब की बात पर विचार किया गया और वहां मौजूद 3000 लोगों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली कि हम इस परमिट व्यवस्था आज के हिसाब से एनआरसी को नहीं मानेंगे, और 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह का जन्म होता है, जिस सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए हम हिंदुस्तान की आजादी की मंजिल तक पहुंचे थे, जिसके 72 साल बाद गांधी की हत्या में शामिल लोगों को भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बंगाल में विवेक का अकाल आ रहा है, इससे पहले कि लाखों लोगों के विवेक मर जाएं, उठिए और सड़क पर निकलिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों को गले लगाइए, लोगों को भरोसा दीजिए कि हम उसी गांधी के विरासत के हैं, उसी सेठ हाजी हबीब की विरासत के लोग हैं, जो एक दूसरे को दिलों से पहचानते हैं, रजिस्टर के नंबर से नहीं पहचानते हैं। ये कहने जाइए सड़कों पर, आज इन लोगों की कहीं नजर नहीं है, क्या होगा? आप सोचिए, इस बंगाल की आत्मा से आप रविंद्रनाथ टैगोर को निकाल दें, जिन्होंने नेहरू जी को क्या कहा था कि भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, भारत मुसलमानों का भी है, ईसाई का भी है, और उन सभी का जो भारत आए हैं, इसे अपना देश बनाया है, और उन टैगोर के बंगाल में ये बात हो रही है, और आप सबने सुना उस बात को। इसमें बंगाल के लोगों का क्या कर्तव्य रह जाता है? क्या सिर्फ रविंद्र संगीत गाने से रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा बचेगी बंगाल में?
एक बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, म्यूजिकल प्रोग्राम से आप कल्चरल आइडेंटिटी नहीं बना सकते हैं। आपके टैगोर स्कूलों में और दुर्गा पूजा के पंडालों के म्यूजिकल प्रोग्राम में भले बचे रह जाएं रविंद्र संगीत में, लेकिन उनकी आत्मा अगर बंगाल से निकल गई तो बंगाल की कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि अपने विवेक को संभालिए। टैगोर साहब होते तो कहते, अमित शाह जी आप इस महान मुल्क के गृह मंत्री हैं, आप माइनस मुसलमान 5 मजहबों के गृह मंत्री नहीं हैं, आप घर चलाते हैं, देश के गृह मंत्री हैं। आपका कहा है जो घर के ड्राइंग रूम में बैठा है और जो घर के दरवाजे पर खड़ा है, उन सबको भरोसा देना कि आप इस देश के मालिक हैं, आप इसके रखवाले हैं। आपको उस राजनीति से भले वोट मिल जाता हो, लेकिन वहां पर टैगोर हारते हैं, वहां पर हमारी विरासतें हारती हैं, वहां पर हम गांधी को हरा देते हैं, उस सेठ हाजी हबीब को धोखा देते हैं जिन्होंने उस परमिट राज के खिलाफ वहां लोगों से कहा था कि ईश्वर की शपथ लो, हम इसका विरोध करेंगे। जो काम दक्षिण अफ्रीका में हो सका वो 72 साल की आजाद भारत में नहीं हो सका। मैं इतने कमजोर बंगाल को नहीं जानता हूं, ना जानना चाहता हूं, मुझे बहुत दुख है। ये हर सभा में इसकी बात क्यों होती है, मुझे इसका बहुत दुख है। और यहां आने से पहले मैं विवेकानंद जी की हिंदू धर्म पर एक यहां बेलूर मठ भी आता हूं रहता हूं, मैं उनकी तरफ प्रचार तो नहीं करता, लाया था। और आजकल देश में उनकी तरह एक ही तरह के हैं, बस ज्यादा नहीं है। तो विवेकानंद जी एक जगह कह रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में, जिसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि भाइयों, हिंदुओं के धार्मिक विचारों का यही संक्षिप्त विवरण हो सकता है। भाइयों, हिंदुओं के धार्मिक विचारों का यही संक्षिप्त विवरण हो सकता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कि हिंदू अपनी संपूर्ण योजना के अनुसार कार्य ना कर सका, भले वो उस तरह का हिंदू ना हो जैसे उसे होना चाहिए, पर यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन हो सकता है, तो वो ऐसा ही होगा जो देश या काल से मर्यादित नहीं होगा। जिस धर्म, वो ऐसा हिंदू धर्म होगा जिसकी पहचान न देश से होगी न टाइम से होगी, यानी न मिट्टी की सरहदों से होगी न समय से होगी उसकी पहचान। तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसा, पर यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म हो सकता है तो वो ऐसा ही होगा जो देश या काल से मर्यादित ना हो, जो उस अनंत भगवान के समान ही अनंत हो, जिस भगवान के संबंध में वह उपदेश देता है, जिसकी ज्योति श्री कृष्ण के भक्तों पर और ईसा के प्रेमियों पर, संतों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाशित होती हो, जो ना तो ब्राह्मणों का हो, ना बौद्धों का, ना ईसाइयों का, ना मुसलमानों का। ये पोस्टकार्ड पर लिखे अमित शाह जी को भेज दीजिए, हजारों की संख्या में, उन्होंने कहा है हिस्ट्री लिखने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जिसकी ज्योति श्री कृष्ण के भक्तों पर और ईसा के प्रेमियों पर और संतों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाशित हो, जो ना ब्राह्मणों का हो, ना बौद्धों का, ना ईसाइयों का, ना मुसलमानों का, वरन इन सभी धर्मों का समष्टि स्वरूप होते हुए, निचोड़ होते हुए भी जिसमें उन्नति का अनंत पथ खुला रहे, जो इतना व्यापक हो कि अपनी असंख्य प्रसारित बाहुओं द्वारा सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य का आलिंगन करे। हिंदी में आप लोग समझ रहे होंगे, इतनी मुश्किल नहीं है, कि सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य का आलिंगन करे, जिसकी भुजाएं इतनी व्यापक हो, इतनी खुली हो, चौड़ी हो, वो सिंधु की कल्पना कर रहे हैं, और उसे अपने हृदय में स्थान दे, चाहे वो मनुष्य
हिंसक पशु से किंचित ही उठा हुआ हो, थोड़ा सा बर्बर हो, बर्बर ही क्यों ना हो। ये विवेकानंद कहते हैं कि जो बर्बर है उसका भी आलिंगन करो, उसका रजिस्टर मत बनवाओ, और रजिस्टर बनाने के लिए अपने देश के लोगों को बर्बर और विदेशी मत बताओ। ये विवेकानंद कहते हैं। ऐसे विवेकानंद की जमीन से एनआरसी की बात हो रही है। आज गांधी होते तो बंगाल की सड़कों पर होते, जैसे 1947 और 1946 के साल में वो दिल्ली को छोड़कर नोआखली जाते, जहां के मुसलमान सनक गए थे उन्हें समझाने के लिए, और वहां से लौटकर वो बिहार जाते थे जहां के हिंदू सनक गए थे उन्हें समझाने के लिए। और आप 46 से 47 तक मार दिए जाने तक गांधी जी के अगर आप प्रार्थना प्रवचनों को पढ़ेंगे तो वो लगातार इसी सनक की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी अफवाहों से हम अजनबी हो गए थे, वो 1946-47 का साल था। जिनके साथ कंधा मिलाकर लड़े थे उन्हीं पे शक करने लगे थे, और वही प्रक्रिया अभी इस वक्त चल रही है। इसलिए आप सड़कों पर जाइए, लोगों के साथ जाइए, लोगों से मिलिए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप रजिस्टर को जगह मत दीजिए, और उन साहब को भी अपने साथ ले जाइए जो क्रांति का उद्घोष कर रहे थे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में उनके काडर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, उनको भी ले जाइए उद्घोषक को, और उनसे कहिए कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आदर्शों को मानते होंगे, नहीं मानेंगे तो निकाल ही दिए जाएंगे पार्टी से। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी के पास 70,000 से 80,000 पर्सनल किताबें थी। इसी शहर के लेजेंडरी आदमी, बम गिरा दोगे वहां पर, यूनिवर्सिटी में और क्या होता है, किताबें होती हैं, पढ़ने वाले लोग होते हैं। जिस कोलकाता शहर में हिंदुस्तान का इतना बड़ा पाठक हो, पढ़ने वाला हो, जिसके पास 80,000 किताबें हों, और उन किताबों को रखने के लिए नेशनल लाइब्रेरी में अलग से ब्लॉक बनाया गया है, उस आशुतोष मुखर्जी के शहर में यह बात कही गई है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में बालाकोट जैसी स्ट्राइक होगी, क्या वो आशुतोष मुखर्जी की किताबों को भी नष्ट कर देंगे? उन किताबों की विविधता देखिए, डिक्शनरी है उसमें हजार तरह की डिक्शनरियां उनके पास, फ्रेंच, स्पेनिश, हर चीज है। और उनके बेटे का नाम लेकर राजनीति करने वाले कह रहे हैं कि हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में बम गिरा, बालाकोट जैसी स्ट्राइक कर दिया हो तो क्या पता रात में उनके कार्डर ही रफाल उड़ा रहे हो, और सुबह वायुसेना के लोग फोटो खिंचवा रहे हो कि नहीं हमारे पास है। इसलिए जादवपुर के छात्रों को रात में नहीं जाना चाहिए, जाइए अपनी यूनिवर्सिटी। तो हम कहां पहुंच गए हैं, ये बातें कहां हो रही हैं? उस बंगाल में हो रही हैं जिसके बारे में कांचा इलैया साहब कह रहे हैं। और सारी बौद्धिकता होने के बावजूद, अच्छी शिक्षा होने के बावजूद, भद्रलोक समाज में तो कम से कम ये क्यों संभव हुआ कि इस तरह बातें कही जा रही हैं, और लोग दलीलें खोज रहे हैं, यहां की दलीलें, वो घटना, वो धर्म, वो मजहब, उस आग में कूदने के लिए। याद रखिएगा, बंगाल का अकाल आ रहा, और एक बार यह अकाल आ गया तो आपके बंगाल में बंगाल ही नहीं बचेगा, और आप उस बंगाल को कभी ना पहचान पाएंगे, ना रहते हुए भी यहां रह पाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। अभिजीत बनर्जी साहब को नोबेल प्राइज मिला है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के नहीं थे, जेएनयू के थे,
लेकिन इनको पता नहीं था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे अमर्त्य सेन साहब। इसलिए जादवपुर यूनिवर्सिटी इस बार बच गया, क्योंकि सारा फोकस अब जेएनयू की तरफ शिफ्ट कर गया है। जेएनयू को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया ने कितना अभियान चलाया। एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी जहां पर गरीब और कस्बों के छात्र पहुंचकर तरह तरह की शिक्षा लेते थे, वहां पर एबीवीपी भी शानदार राजनीति करती है, लेफ्ट के लोग भी हैं, लेकिन उसको इस तरह से चेहरा बनाया गया कि वो लेफ्ट का कोई गढ़ है वहां पर, और एक जेएनयू को दिन भर न्यूज चैनलों के जरिए उसे बदनाम किया गया। बात जेएनयू की नहीं थी, ये क्यों ऐसा होता है कि बार बार यूनिवर्सिटी को लेकर यह टारगेट किया जाता है? क्योंकि वो आशुतोष मुखर्जी की पढ़ने की विरासत को जिंदा ही नहीं रखना चाहते हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को भी जिंदा नहीं रखना चाहते। उन्होंने बगावत की थी नेहरू कैबिनेट से, तो वो असहमति के लोकतंत्र में असहमति के पहले प्रतीकों में से एक है। और अब ये असहमति के स्वर को एंटी नेशनल कहते हैं, यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल का अड्डा कहते हैं। वो इसलिए कह सकते हैं कि हमने अपना विवेक सरेंडर कर दिया है। मंत्री जी हैं पीयूष गोयल, लेना देना नहीं उनका नोबेल प्राइज से, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि अभिजीत बनर्जी को मिला बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन वो वामपंथी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर सीपीएम के फाउंडर थे, अमर्त्य सेन प्रोफेसर अमर्त्य सेन तृणमूल का गीत गाते थे, सीवी रामन साहब कार्डर थे क्या सीपीएम के, और उनकी ही पार्टी के यहां के नेता कहते उनकी पत्नी विदेशी है इसलिए मिल गया। तो ये जो सोच समझ रीजनल जो रैशनल है उस पर अटैक किया जा रहा है। वामपंथी थे इसलिए मिल गया। अरे भाई आप गूगल कर लेते, जब नोटबंदी जैसा बोगस आइडिया लॉन्च हुआ था तब कैबिनेट में उनकी सहयोगी थी उमा भारती, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्ल मार्क्स के विचारों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और आप अभिजीत बनर्जी से इसलिए चिढ़ रहे हैं कि वो वामपंथी थे? अरे गूगल करो भाई, उमा भारती का बयान है, गूगल कीजिए ना, अभी निकलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कार्ल मार्क्स से तुलना किया इसी देश में, जिस नोटबंदी की सजा अभी तक भुगत रहे लोग, और ये कह रहे हैं कि लेफ्ट के लोगों को मिलता है, और जनता ने उनकी सोच को नकार दिया जैसे अभिजीत बनर्जी चुनाव लड़ रहे थे। इसी से पता चलता है कि न्याय योजना की मीडिया ने किस तरह से चर्चा नहीं होने दी। अगर वो योजना इनकी होती तो उसके पीछे कुर्सी टेबल लगाने वालों का भी इंटरव्यू चल रहा होता टीवी पे। पर आप नोबेल प्राइज को लेकर आप बधाई देना चाहते हैं, बधाई दे दीजिए, मुझे नहीं दी कोई बड़ी बात नहीं है। वो बताता है कि आप उससे कितना घबराते हैं। लोगों ने उसे पूछा प्रधानमंत्री ने आपको बधाई नहीं दी कैसा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, कम से कम लोग मुझे शक तो नहीं करेंगे। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि उनके मंत्री ने मुझे कम्युनिस्ट नहीं कहा, मैं बच गया। मैं बच गया, वरना वो मुझे भी कह देते कि इन्हें भी हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है। तो अभिजीत बनर्जी साहब, अब उनकी पत्नी के बारे में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो कहा जा रहा है आप लोगों को अंदाजा नहीं है। एलीट लेवल पर चर्चा हो रही है कि एस्थर डफलो को वाइफ क्यों कहा गया,
और नीचे जो ग्रास रूट पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फैलाई जा रही है बातें वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और उसकी कहीं चर्चा नहीं है। मैं तो कहता हूं अभिजीत बनर्जी और एस्थर को दोनों आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फैलाया गया है उसी पर रिसर्च कर लीजिए, एक और नोबेल मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। नोबेल प्राइज मिलने वालों के खिलाफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरह का गंदा अभियान भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं चला होगा। टैगोर नहीं है, नहीं तो दोबारा वापस कर देते सर की उपाधि, कहते भाई ले जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो अभिजीत के साथ, ये लोग, ये बंगाल है। तो डर है क्योंकि अभी भी इसका भौकाल बना हुआ है कि ये बुद्धिजीवियों का गढ़ है, पढ़ने लिखने वाले नौजवान है, क्रिएटिव है, कितना अच्छा उन्होंने गाया, कितना अच्छा स्टेज बनाया, ये सब कलात्मक चीजें इस बंगाल की आबो हवा में बची हुई है जिससे वो लड़ रहे हैं। हर पढ़ने लिखने वाली बात से वो घबराते हैं, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री 5.5 साल में आपके एजुकेशन सिस्टम पे वो रैंकिंग के अलावा बात नहीं कर सके। जब पटना गए, 100 साल हो गया था पटना यूनिवर्सिटी का, तो वहां कह आए कि 10,000 करोड़ का हम बजट देने वाले हैं 2017 में। 2 साल बीत गया है, 1,000 करोड़ भी नहीं गया है। और एक यूनिवर्सिटी को तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया एमिनेंस में, इसका वो कागज पर भी नहीं थी। तो गांव कस्बों और हर जगह यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है, ये सिर्फ जेएनयू और जादवपुर की बात नहीं है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने घरों से बाहर जाइए तो सवाल उठाइए यहां की सरकार से भी और वहां की सरकार से भी कि यूनिवर्सिटी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर ये नॉलेज इनइक्वालिटी समाज में बढ़ती गई तो इस तरह की बातों को ही ज्यादा जगह मिलेगी, ज्ञान का अनादर होगा, उसका हर दिन रात अपमान होता रहेगा। हमें चिंता करनी चाहिए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसे संस्थान भी अच्छे हों, लेकिन जो बांकुड़ा में है, जो मोतिहारी में है, जो मुजफ्फरपुर में है, जो सूरत में है और जो अलवर कॉलेज है, उनका जो पतन हुआ उसे हम बचाएं, उसकी हम चिंता करें। हमारे नौजवान जो वहां जा रहे हैं उन्हें पढ़ने के लिए किताब नहीं मिल रही है, वो गाइड की किताबों से पढ़ते हैं और वही गाइड की भाषा आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की है। कुंजी पढ़ने आज इस देश की आधी आबादी, जो नौजवानों की आधी से ज्यादा, वो कुंजी पढ़कर पास होती है और नेताओं ने उसी कुंजी की भाषा में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उन्हें झूठ सप्लाई कर रखा है। तो इसलिए हमें यूनिवर्सिटी की बात करनी पड़ेगी और बंगाल के विवेक को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग हर तरह की राजनीतिक हिंसा का विरोध करें। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि वही जीता जाता जागता ब्रांड एम्बेसडर है, वही उस डाइवर्सिटी का प्रतीक है जो अपनी कैसी भी विचारधारा को लेकर गलियों में घूम रहा होता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो संघ का हो, चाहे वो बजरंग दल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, तृणमूल का हो या सीपीएम का हो। बंगाल को अब इस राजनीतिक हिंसा पर ठीक से सोचने की जरूरत है, उसे इस हिंसा से आजाद करने के लिए आप लोगों को ही लड़ना होगा, आप लोगों को ही बोलना पड़ेगा, वरना लोग फिर इसी तरह से उस विवेक के अकाल की का स्वागत करने में लगेंगे तरह तरह से बहाने बनाते हुए। और अंत में इस बंगाल की इतनी तो खूबी थी, कई बार मुझे लगता है, आता हूं हर साल यहां पर, कि धीरे धीरे बंगाल अपना नैतिक बल खो रहा है। उसके पास एक सांस्कृतिक पूंजी थी, वो काफी कमजोर हो गई है और वो नैतिक बल ही था कि इसी बंगाल के किसी ने जनगणमन लिख दिया, इसी बंगाल के किसी ने पहली बार भारत माता की तस्वीर बनाई थी और इसी बंगाल के किसी ने जय हिंद बोला था। तो बंगाल को क्यों बांटते हो भाई, हम तो भारत माता की जय में भी हैं, जय हिंद में भी हैं और जनगण मन में भी हैं। इसलिए बंगाल में विवेक के अकाल को मत आने दीजिए। बता रहा हूं फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर ऐसे आयोजनों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब आपको जो पूछना है पूछिए। थैंक यू।